नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज बात करेंगे 6 अप्रैल 2019 की, कि कैसा रहेगा आने वाला दिन आप सभी के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। दोस्तों, एक बात यहाँ पर और कहना चाहता हूँ आपको, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपके आने वाले जो साल भर रहे वो बहुत ही ज्यादा उन्नतिदायक रहे और आपका प्रभाव हर क्षेत्र में बना रहे, यही मेरी कामना है। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं, और अगर आप मुझे विश करना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग मेष राशि की, कि मेष राशि वालों को किस तरह से कल दिन जो है वो रहने वाला है। वीकेंड है, काफी अच्छे से आप काम करते हुए दिखाई देंगे और अपनी जो स्किल्स हैं उसकी तरफ आप ध्यान आपका रहेगा और कुछ नया पढ़ने की चेष्टा आप करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि किसी की यहाँ पर बुराइयों में ना पड़े, किसी की बढ़ाइयों में ना पड़े, अपने आप को देखें, अपने आप को संभालें तो बेहतर आपको रहेगा। आज काफी ज्यादा संतुलित भोजन लेंगे और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से दिन काफी बेहतरीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को संतुलित करें तो अपने खर्चों को थोड़ा सा मेंटेन करें। खर्चे कल थोड़ा सा यहाँ पर सर चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा खर्चों को अगर आप कंट्रोल कर पाए तो बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर दिन तो काफी अच्छा ही है। वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं, कि आज आपको बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो प्राप्त होंगी। आज आपको कहने की बजाय आपको सुनना चाहिए। यहाँ लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं, उसको समझिए, एनालिसिस कीजिए, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। और अपने तरीके से अपना एनालिसिस करेंगे तो बेहतर रहेगा, आपका स्वास्थ्य का अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हताश होने की जरूरत नहीं है। कुछ रिजल्ट्स में अगर, या कहूँ पेपर्स में अगर कुछ दिक्कतें रह गई थी तो वो बहुत ही जल्दी आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और कहीं ना कहीं वह आपको आगे चलकर फ्रूटफुल रहेंगी। जो आपके लव रिलेशनशिप चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। लव रिलेशनशिप अभी उतने तरीके से काम नहीं कर रहे जैसे पहले चल रहे थे। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हाथ लग सकती हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो उस बात का ध्यान रखें, और इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपने किसी बड़े का साथ लेकर जाए, आशीर्वाद लेकर जाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई सडन गेन होने की गुंजाइश दिखती है कल, और ये कैरियर या निजी जीवन से जुड़ी हो सकती है। आपको कभी वित्तीय लाभ यानी कि आर्थिक लाभ होते हुए दिखाई देंगे और कुछ नए आयाम जिंदगी में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये बहुत जनरल ट्रेंड है, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि जितने भी राशिफल आप लोग देखते हैं वो बहुत जनरल ट्रेंड पे होते हैं। अगर आपको अपना एनालिसिस कराना है तो नंबर पर जो आपके सामने स्क्रीन पर आता है उस पर आपको करना चाहिए। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहने वाला है। आप काफी ज्यादा रिस्क उठाने के मूड में भी दिखाई देंगे, लेकिन संभल जाए, ज्यादा रिस्क ना लें तो बेहतर रहेगा। कुछ पार्टनर के साथ अच्छे मूड में जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। दिन कुल मिलाकर अच्छी तरफ दिखा रहा है, और कार्यस्थल पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अगर ऑफिस जा रहे हैं तो जो लाभ आपको हुआ है वो लाभ थोड़ा सा उसको स्पॉइल करने की कोशिश कर सकता है कोई, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे कर्क राशि की, कर्क राशि वाले कैसा कह रहे हैं। थोड़ा सा नाखुश दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा अनुभवहीनता वाले जो इनएक्सपीरियंस वाले जो कम्युनिकेशन होती है वो करते दिखाई दे रहे हो, इसको थोड़ा सा संभालने की जरूरत है कर्क राशि वालों। दिन तो बेहतर है, लेकिन जो शुरुआत दिन की हो रही है उसमें थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। सेहत मिजाज दोनों ठीक हो जाएंगे दोपहर तक। कोई घर का व्यक्ति जो है अगर बीमार चल रहा है तो मैं कहूंगा कि उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो आपके लिए फ्रूटफुल है, पहचान करना जरूरी है। अगर किसी को पैसे उधार दिए थे तो थोड़ी बहुत गुंजाइश यहाँ बन रही है कि वो वापस आ जाए, तो दिन अच्छा है। बट यह है कि थोड़ा सा कटु वचन बोलने से कल आपको मेरे हिसाब से बचना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। बात कर लेते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों चिंता बढ़ रही है। रिलेशनशिप्स जो थे वो थोड़े से खराब हुए, कुछ गलतियां आपकी भी रहीं, लेकिन फिर भी लक्ष्य जो डिफाइन कर रखा है, जिंदगी के प्रति जो नजरिया है उसमें पॉजिटिव रहेंगे आप। कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। ऑफिस में अभी दबाव काफी चल रहा है जिससे नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही। ये महत्वपूर्ण एक बात है कि आपको अपने आप को बहुत
बैलेंस करके चलाना है कल के दिन। किसी निष्कर्ष पर, किसी रिजल्ट पर आपको एकदम से नहीं पहुंचना है। रिश्तों में खुलापन रखें, ईमानदारी लाएं, क्योंकि ये समा समय जो है वो आत्मविश्वास आपका बढ़ाएगा। और रिश्ते, अगर किसी से मिसकम्युनिकेशन हुआ, नहीं हुआ कुछ, तो आप आगे से आके अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर आप काफी प्रभावी रूप से काम कर पाएंगे। बहुत अच्छा समय मैं कहूँगा रहने वाला है, बस जो बातें मैंने आपसे कही उसका आपको ध्यान रखना है। आगे बात करूंगा कन्या राशि के, लेकिन याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है व्हाट्सएप पर या कहीं पर जहां पर आप शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर कर दीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब बटन को हिट करने के बाद, इससे सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कन्या राशि वालों, आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल होता है वो आप अपनाते हुए दिखाई देंगे, दुश्मनों की पहचान कर पाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने कुछ चीजों को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं कहूंगा थोड़ा सा सावधान रहें और कोशिश यही करें कि आशावादी बने रहें, कूटनीतिक डिप्लोमेटिक तरीके से स्थिति को संभालें तो बेहतर रहेगा। रिश्तों को संभालने की जरूरत है और रिश्तों को संभाल भी पा रहे हैं। कुछ पुरानी जो शिकायतें हैं उनको निपटाने का वक्त है, अपना ध्यान रखें। शुरुआती दिन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ नई जिम्मेदारियों की बोझ आपको मिल सकती है, और मेरी ये मानिए कि ये कैरियर के लिए काफी अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा कि मेहनत करने का समय है, मेहनत करें तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अब बात हम लोग कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई किया है, पुराने जो एक्सपीरियंस थे उससे आप काफी कुछ नया सीख पा रहे हैं, और लक्ष्य थोड़ा मुश्किल जरूर है, थोड़ी सी निराशा भी होगी इसमें, लेकिन अपने लक्ष्य को अपनी क्षमताओं के साथ तालमेल बनाकर चलाएं तो बेहतर रहेगा। सेहत के हिसाब से दिन काफी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए दिन काफी अच्छा है, और पार्टनर का साथ आपको मिल रहा है, और शेड्यूलिंग करें आप, क्योंकि कुछ दिनों से आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। कुछ चीजों पर आपको लग सकता है कि आपकी कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, और आप अपने आप को बार बार चैलेंज करेंगे कल कुछ अच्छा नया करने के लिए, जो कि कहूंगा अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज्यादा डीप थॉट में ना जाना, नहीं तो बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष मैं कहूंगा कि ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कल। पिछू वाली राशि, हमारे वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। आज नई नया दिन है, नया कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो पीछे दिक्कतें रहीं, कुछ मन में जो अजीब सी एक डर था रहा, वो अब उससे मुक्त होते हुए दिखाई देंगे। कुछ नए अवसर मिलेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिससे कहीं ना कहीं स्थितियां काफी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, और आपको काफी लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। सेहत अच्छी है, फिर भी गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और थोड़ा सा फिटनेस पे अभी ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ता हुआ वजन जो है वो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। आपको चाहिए कि आप अपने आप को ज्यादा भावनाओं में ना भाएं। लव मैटर्स आपके ठीक हैं, कुछ पुराने मित्र मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इस वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं। समय दीजिए, वह आपके पास लौट कर आ जाएंगे। कोशिश कीजिए कि अपने जो वित्तीय चीजें हैं उन्हें संभाल कर चलाएं, एक्स्ट्रा खर्च ना करें तो बेहतर आपके लिए रहेगा, ये मेरी आपको एक हिदायत रहेगी। धनुराशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज आप निजी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, अपने कैरियर में भी कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ इनसिक्योरिटी की भावना थोड़ी सी आपको घेर रही है। मैं कहूंगा कि इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, और कोशिश करें कि आप हर चीज को बहुत संतुलन तरीके से चला पाए। पिछले कुछ दिनों से जो छोटी मोटी तकलीफें थी वो है अब ठीक होने लगी हैं, लेकिन फिर भी थकान अभी है, और आपको चाहिए कि आप अपने खाने को थोड़ा सा कंट्रोल करें। आज चारों तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, लव रिलेशनशिप्स काफी अच्छे हो रहे हैं, पार्टनरशिप के जो चीजें हैं वो भी अच्छी हो रही हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे ध्यान दें। प्यार ही सब कुछ नहीं होता, प्रायोरिटी देखें, अपने कैरियर को देखें पहले, उसके बाद फिर आगे चलाएं। कैरियर की अगर बात करूं और स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करूं, तो स्वतंत्र रूप से आप काम कर पाएंगे कल। आपके कुछ विदेशी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, और अगर कुछ इंटरव्यूज देने जा रहे हैं तो दिन काफी बेहतर आपके लिए होता हुआ दिखाई देता है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, कुछ नया करने की जरूरत है, पुराने घिसे पिटे बातों में कुछ नहीं रखा आपको, ये बात समझनी चाहिए, और
एक्सपीरियंस लीजिए, लेकिन उसे सर पर हावी ना कीजिए, ये मैं आपसे कहूंगा। पिछले दिनों में जो भी आपकी जीवन शैली रही वह अब जा चुकी है, अब आपको चाहिए कि आप कुछ नया करें। ग्रहों का संकेत है कि आप थोड़ा सा मानसिक रूप से जो है सोच आपको बदलनी होगी, डीप थॉट्स आपको हटाने होंगे और व्यवहार में कुछ व्यवहारिकता लेकर आनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कठोर हैं, लेकिन संकुचित थोड़े से हो रहे हैं। संबंध जहाँ तक हैं वो इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हैं अभी जितने होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने पैसों को संभाल कर चलाना है जिससे आने वाले दिनों में आपको दिक्कत ना हो। दिन कुल मिलाकर कहूँगा कि 50-50 ही है, मिक्स पैक फीलिंग देने वाला है। कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि स्थिति ऐसी है कि आप कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ बाधाओं का सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ अच्छी स्थिति में थे, फिलहाल थोड़ी सी परेशानियां हैं जो स्वास्थ्य से लेकर हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा सा खान पान पे ध्यान दीजिए, जीवन शैली में थोड़ा बदलाव कीजिए। हवा पानी थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए चेहरे पर दाने होना या पेट से रिलेटेड दिक्कतें हो रही हैं। घूमने जाएं अपने प्रिय के साथ, थोड़ा सा समय बिताएं, स्ट्रेस कम लें तो बेहतर रहेगा। कुछ नया करना चाहते हैं तो सोच सकते हैं, और अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने माता पिता के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन होता हुआ दिखाई देगा। कुछ निराशा हर काम में शुरुआत में होती है, इस बात को आप समझें, उससे निराश ना हो तो बेहतर रहेगा। कुंभ का दिन सही है आपके लिए। लास्ट राशि मीन राशि के बारे में बोलता हूँ मैं, आपको बताता हूँ। दिन की शुरुआत अच्छी है, लेकिन शुरुआत होते होते दोपहर तक आते आते व्यस्त हो जाएंगे। घर पर अगर किसी की हेल्थ इशू है तो उनके देखभाल में समय निकलता हुआ दिखाई देगा। शाम को फिर आप मस्ती के मूड में आएंगे, अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा, प्यार के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको प्रशंसा मिलेगी, प्यार का इजहार करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपको चाहिए कि रोमांस के लिए समय निकालें और संतुलन बनाएं अपने जीवन में, और जो बच्चे हमारे हैं, स्टूडेंट्स हमारे हैं, उनके लिए दिन काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। और आज आप आत्मनिर्भरता के ऊपर काम करेंगे और अपने आप को कुछ नया चाहेंगे करना कि आप करें। तो ये हुआ एक छोटा सा अवलोकन, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं और कुछ हमारे नंबर्स हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। 9411848508, अभिषेक भटनागर डॉट इन मेरी वेबसाइट है, bhatnagar2411@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है, और इसके अलावा मेरी जो और वेबसाइट्स हैं और मेरे ग्रुप हैं उनको ज्वाइन कीजिएगा। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अपना कमेंट जरूर बताइएगा करके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।